ये जुमलेबाज के साथ गलबहिया लगाए हुए हैं और इनको इज्जत और सम्मान का जरूरत नहीं है, इसलिए ये बेशर्मी का हद हो गया है। और बीजेपी वाला इतना बेशर्मी पर उतर गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के दल को इतनी नसीहत दे रहे हैं, कैसे ही चुप है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि आप जल्दी निर्णय लीजिए और बीजेपी को छोड़िए। तो भी कह रहे हैं कि आजादी वाले लार टपकाना बंद करें, सत्ता में आने वाले नहीं। अरे लार टपकाने का साला हमारा हमारा बहुमत है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लास्टीज देख रहे हैं। बिहार में एनडीए के भीतर क्या हो रहा है और आखिर क्यों जेडीयू सिर्फ बोल रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है जेडीयू की ओर से। इस वक्त आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र हमारे साथ हैं। लगता है कि अब जेडीयू को फैसला लेना चाहिए, चाहे अशोक सम्राट की बेइज्जती हो, जयशंकर के बारे में कहा जा रहा है, जयप्रकाश सिन्हा के बारे में कहा जा रहा है, या फिर अन्य मुद्दे हो, जाति जनगणना का मुद्दा हो, इस पर जेडीयू सिर्फ बोल रही है, चुप है बाकी कब। ये जुमलेबाज के साथ गलबहिया लगाए हुए हैं और इनको इज्जत और सम्मान का जरूरत नहीं है। हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पद के अलावा कोई जरूरत नहीं है। बिहार की न जनता से मतलब है, न बिहार के बेरोजगारों से मतलब है और न बिहार के लोगों से मतलब है, इसलिए ये बेशर्मी का हद हो गया है। और बीजेपी वाला इतना बेशर्मी पर उतर गए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के दल को इतनी नसीहत दे रहे हैं, कैसे ही चुप है और अपने आप को कहते हैं कि हम समाजवादी लोगों से जुड़े हुए हैं और समाजवादी विचारधारा से हैं, तो समाजवादी की विचारधारा के जो लोग हैं इस तरह का इंतजार नहीं करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि आप जल्दी निर्णय लीजिए और बीजेपी को छोड़िए, इन लोगों को आप सबक सिखाइए। बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि आजादी वाले लार टपकाना बंद करें, सत्ता में आने वाले नहीं। अरे लार टपकाने का साला हमारा हमारा बहुमत है और सबसे बड़ी दल है हमारा, हमारे नेता तेजस्वी यादव है, बड़े दल के नेता हैं, इसलिए लार टपकाना हमारा ये नहीं है। और मुख्यमंत्री बनने के लिए हम लोग ललायत नहीं है, लेकिन बिहार को, बिहार के मुख्यमंत्री को इतनी बेशर्मी से लोग नहीं देखा था आज तक। इतना बेशर्मी मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ है, जो उनके दल के माने एनडीए के जो लोग हैं इतनी गाली दे रहे हैं तब भी ये मुख दर्शक बने हुए हैं। बीजेपी के लोग क्या औकात दिखा रहे हैं जेडीयू को? एकदम औकात दिखा रहे हैं। और ये अशोक सम्राट और औरंगजेब वाले मामले में तो उन लोग को माफी मांगना चाहिए कि अशोक सम्राट को नीचा, बीजेपी में है ही नहीं। नहीं नहीं, बीजेपी एक तरफ सम्मानित करते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि बीजेपी में नहीं है, तो ये लोग का तो जुमला बोलने की आदत है और जुमला बोलने के लिए ये लोग माहिर है। लगता है कि हाँ नीतीश कुमार फैसला ले पाएंगे, फिलहाल तो अभी कोरोना से संक्रमित है। हमको नहीं लगता है कि ये फैसला ले पाएंगे, चूंकि इनको मुख्यमंत्री का पद प्यारा है, बिहार की जनता प्यारा नहीं है। आप लोग समझौता क्यों नहीं करते हैं? वो मुख्यमंत्री रहेंगे, आप लोग समझौता करें। हम समाजवादी विचारधारा से के लोग हैं और उसके चलने वाले लोग हैं। हम लोग कर्पूरी ठाकुर लोहिया जी के मानने वाले, चौधरी चरण सिंह के मानने वाले लोग हैं, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के प्रोधा हैं और वो जो सामाजिक क्रांति पैदा किया है देश और दुनिया में कोई भी नेता क्रांति नहीं पैदा किया। सवाल आपसे यही है कि आरजेडी जेडीयू का अगर अलायंस होता भी है आगे चल के, तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे उसमें? ये हमारे नेता तय करेंगे, ये हमारे बड़े नेता जो शीर्ष नेता हैं वो तय करेंगे, इस पर हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार फैसला नहीं, नहीं, उनको तो फैसला लेकर तुरंत करना चाहिए कि आइए तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री पद संभालिए, हम आपको समर्थन करते हैं। देखिए बड़े नेता तय करेंगे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं, लेकिन हाँ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री खुद बना दे नीतीश कुमार, ये इच्छा जरूर आरजेडी के दिल में है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से इन दोनों कह रही है, सीधा सीधा भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि तो बेशर्मी की हद पार कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अब तक फैसला ले क्यों नहीं पा रहे हैं, ये समझ नहीं पा रही है राज्य की जनता। भाई वीरेंद्र ने एक बड़ा पलटवार किया है, बड़ा कटाक्ष किया है कह सके तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, और कहीं ना कहीं पूरे जेडीयू कुनबे को यह कहा है कि जल्द फैसला लें, बीजेपी को अलग करें, जो कि राज्य हित में ठीक नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।